तेजस्वी जी का जो मुख्य मुद्दा था उनसे आप घबरा गए थे, इससे आप घबरा कर और कहते थे कि काम करने थे। इसका मतलब है कि जनगणना जो है सो वीर तेजस्वी यादव जी कराए, जो नौकरी जो है सो गांधी मैदान में दिवाए वीर तेजस्वी यादव ने दिवाए, तो आप क्या है। तो इसीलिए हमने पहले ही कहा कि गम के फसाना बन गया। अच्छा तो चौबे थे, छब्बे बनने गए थे, दुबे बन गए, तो छब्बे जब नहीं बन पाए तो दुबे बन के आ गए। अब जो है से कोई आदमी मुरेठा बांध के घूम रहा है कि जब तक कसम खाए थे कि हम जब तक मुरेठा तभी उतारेंगे जब इस आदमी को हटा देंगे। भूलते हैं वो और लोगों को भी भुलक्कर बनाना सोचते हैं, अपने आप को भुलक्कर है, दूसरा कोई भुलक्कर नहीं है। जनता सब बात के इतिहास रखती है, उसका जवाब दे। नमस्कार, न्यूज फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। नीतीश कुमार अब NDA में शामिल हो चुके हैं। JDU की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार काम कर रहे थे उसका क्रेडिट कोई और ले रहा था। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद डॉक्टर अनिल सहनी जी। सर, नीतीश कुमार अब आप लोग से अलग हो चुके हैं, अब वो NDA में शामिल हो गए, वो तो कहते हैं कि जो हम लोग काम कर रहे थे उसका क्रेडिट कोई और ले रहा था। सीधे सीधे आरोप तेजस्वी यादव पर। गम का फसाना बन गया। अच्छा, चौबे थे, छब्बे बनने के लिए निकले थे और दुबे बन के आ गए। अच्छा, तो उनको तो ये बात का सोच है, तो जो बोल रहे हैं तो हम तो उनको उदाहरण देते हैं जी। कि आपका जो 18 वर्ष के शासन में मात्र 17 महीना वीर तेजस्वी जी के साथ आपने काम किया, तो क्यों नहीं आपने उस समय अपने 17 वर्ष के शासन में रोजगार दिया, क्यों नहीं आपने नौकरी बुला कर दिया, गांधी मैदान में सर्टिफिकेट दिए। तो वीर तेजस्वी यादव जी का देन है और इनका प्रभाव है, यही इसीलिए बोल रहे हैं कि हम काम नहीं कर पाते थे। तो क्या नौकरी देना, जनगणना कराना और गरीबों की बात करना, समानता लाने की बात करना, तेजस्वी जी का जो मुख्य मुद्दा था उनसे आप घबरा गए थे, इससे आप घबरा कर और कहते थे कि काम करने थे। इसका मतलब है कि जनगणना जो है सो वीर तेजस्वी यादव जी कराए, जो नौकरी जो है सो गांधी मैदान में दिवाए वीर तेजस्वी यादव ने दिवाए, तो आप क्या है। तो इसीलिए हमने पहले ही कहा कि गम के फसाना बन गया। अच्छा, तो अपना जो है सो हारल बिलाई अपना खम्मा नोच रहे हैं, तो खम्मा नोचने से काम नहीं चलेगा। बिहार के एक एक जनता जो है सो आज आपके नीति के आपके सिद्धांत को आपको पलटने का जो आपका काम है उससे पूरा बिहार की जनता एक एक जनता दुखी है और इसका जवाब वोट से देंगे। आप लोग कह रहे हैं 17 महीना भारी है, लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि 2005 से पहले क्या था, शाम में निकलने में डर लगता था, बहाली पहले भी होती थी, आज भी हो रही और आगे भी होगी। देखिए, बहाली तो ये 17-18 वर्ष में कहाँ किए, जो भी हमारे राबड़ी जी और लालू जी के जो राज था बिहार में, वो शोषित उपेक्षित गरीब गुड़बा अकलियत स्वर्ण गरीबों के मान और सम्मान को बढ़ाने में, गरीबों को आवाज़ देने में बढ़ाने में, और जो लोग उस समय जंगल राज के बात करते हैं आज अब मंगल राज के बात करेंगे जी। आप लोग तेजस्वी यादव अभी भी कह रहे हैं कि खेला होना बाकी, किस तरह का खेला की बात कर रहे हैं वो इस समय। तो खेला जनता करेगी, न हम करेंगे न वीर तेजस्वी यादव करेंगे, ये खेला वहाँ के जनता करेगी जो इनके सिद्धांत को, नीति और सिद्धांत को समझ चुकी है जी। नीतीश कुमार आप लोग के साथ थे, इंडिया ब्लॉक का कहा जाता है कि सूत्रधार वही थे, अब आप लोग से अलग हो, क्या उनके अलग होने से आप लोग को नुकसान होगा। इसीलिए ना आपको पहले ही हमने कहा कि चौबे थे, छब्बे बनने गए थे, दुबे बन गए, तो छब्बे जब नहीं बन पाए तो दुबे बन के आ गए। अब जो है से कोई आदमी मुरेठा बांध के घूम रहा है कि जब तक कसम खाए थे कि हम जब तक मुरेठा तभी उतारेंगे जब इस आदमी को हटा देंगे, तो अब उसी के अंदर में चले, तभी तो मुरेठा हटा नहीं ना है, अभी देख लीजिए क्या क्या खेला होगा। तो उनके जाने से आप लोग को नुकसान नहीं होगा कुछ? कोई नुकसान नहीं है, उनके जाने से हमारे महागठबंधन पर किसी प्रकार का सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों में उनको ये बताया जाएगा कि आप जो बार बार अल्पमत में रहकर भी मुख्यमंत्री के त्याग का भावना आप में कभी नहीं रहा, ये हम नहीं ये सारा लोग जानते हैं, और भूलते हैं वो और लोगों को भी भुलक्कर बनाना सोचते हैं, अपने आप को भुलक्कर है, दूसरा कोई भुलक्कर नहीं है। जनता सब बात के इतिहास रखती है, उसका जवाब देगी। आखिर में एक सवाल है कि NDA में नीतीश कुमार शामिल हो गए हैं, कई दल उनके आने से थोड़ा असहज भी हैं, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान कहते हैं कि आगे भी नीतिगत विरोध जारी रहेगा, आप लोग उनको कहिएगा कि NDA छोड़कर महागठबंधन के साथ आ जाए चिराग पासवान। देखिए, ये जनता कहेगी, जनता बताएगी, और उनका जो एक्शन होगा सो बताएगा, किस प्रकार से उन लोगों का अपमान होगा चाहे सम्मान होगा, आने वाले दिन में बताया जाएगा।
चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह पूर्व सांसद डॉक्टर अनिल सैनी, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।